अभी भी ये दो चार हो रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें, जिला स्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंच चुकी हैं, बुके देकर उनका स्वागत किया गया, उनकी अगुवाई यहां पर की जा रही है, रेड कार्पेट बिछाया गया है और जिस तरह से प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री के पहुंचने पर, और गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां दिया जाएगा और इसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जनसंवाद कार्यक्रम आज भी रहेगा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक लेंगे सीएम। आईईटी कॉलेज में ये जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, सर समाज से वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे और सभी समाजों को एक बड़ी बात है, अच्छी बात है, पूरा वक्त दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से ही। और इसलिए जब ये बैठक शुरू होती है, जनसंवाद शुरू होता है तो सुबह से कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। सभी समाजों को मौका दिया जाता है, उनकी समस्याओं को सुनती हैं सीएम राजे। और जब इससे बात भी की, जी मीडिया के हमारे सहयोगी लगातार इन प्रतिनिधियों से भी बात करते हैं, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में सीएम जाती हैं वहां पर किस तरह की समस्याएं आती हैं, और सबसे ज्यादा खुशी की बात इनमें ये रहती है, खुश इसलिए रहते हैं, उत्साहित इसलिए रहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है या इन्हें मौका मिल रहा है कि अपने प्रदेश के मुखिया से सीधे तौर पर ये रूबरू हो पाते हैं। सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, अलवर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं आज भी सीएम, और यहां पहुंचने पर विभिन्न समाजों के जो प्रतिनिधि उनसे वार्ता करेंगे, जनसंवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, जब उनकी अगवानी के लिए यहां पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, स्थानीय नेता पहुंचे हुए हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आज फीडबैक लेंगे सीएम, और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही विभिन्न समाज के जो लोग हैं उनके साथ जनसंवाद का कार्यक्रम है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जो लोग पहुंचे हुए हैं सीएम की अगवानी के लिए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, बुके लेकर उनका वेलकम करते हुए, और आगे गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। और इसके बाद आईईटी कॉलेज का रुख करेंगे सीएम, क्योंकि यहीं पर जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है, सर समाज से वार्ता करेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और इस बार जिस तरह से दौरे मुख्यमंत्री के हो रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक एक दिन दिया जा रहा है, वार्ता की जा रही है, संवाद हो रहा है आम लोगों से, आम जन से, और ये कार्यक्रम अमूमन एक सा है। हाँ, कहीं जरूर शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री उनके बीच मौजूद हों और इस तरह के कार्यक्रम होने हों तो इन कामों को भी साथ ही साथ निपटाया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है, गार्ड बगल सच तंत्री खड़ा रहे, गार्ड विसर्जन। तो सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, अलवर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सर समाज से वार्ता करेंगी। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, और कोशिश यही रहती है सीएम की कि मौके पर समस्याओं का निस्तारण हो सके, ऐसी समस्याएं जिनका तुरंत हल हो सकता है, निर्देश देती हैं अधिकारियों को जो मौजूद रहते हैं इस वार्ता के दौरान, और ऐसी समस्याएं जिनके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है उसके लिए आश्वस्त करती हैं मुख्यमंत्री। इस तरह की समस्याएं हैं, सरकार इसका निपटारा करेगी, समाधान निकालेगी, और जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाएगा, और इसे लेकर अहम निर्देश भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है।
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आज फीडबैक लेंगी। एक एक विधानसभा कितनी जरूरी है इस जीत के लिए समझा जा सकता है कि खुद प्रदेश की मुखिया कितनी गंभीर हैं और लगातार इसलिए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब पीएम के ये दौरे लगातार जारी है। दो लोकसभा और एक विधानसभा से ये उपचुनाव है। हालांकि आश्वस्त है बीजेपी इस जीत को लेकर, लेकिन जीत धौलपुर से भी बढ़कर चाहिए, क्योंकि धौलपुर विधानसभा में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है और जो रोडमैप रहा है चुनाव प्रचार का, लोगों से रूबरू होने का, सरकार के विकास कामों को लोगों तक पहुंचाने का और जिस तरह से सकारात्मक फीडबैक इन कामों को लेकर मिला वो जीत के रूप में सामने आया। जब धौलपुर विधानसभा का उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की और अब ये तीन अहम उपचुनाव होने जा रहे हैं, दो लोकसभा अजमेर और अलवर लोकसभा का है तो वहीं एक मंडलगढ़ विधानसभा का उपचुनाव है। तारीखों का हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं लगातार जी मीडिया भी इन दौरों की तस्वीरें दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है किस तरह से फीडबैक सीएम के द्वारा लिया जाता है, किस तरह से प्रतिक्रिया इन दौरों को लेकर जो आमजन है उनकी तरफ से आ रही है, क्योंकि जो विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि हैं जिनसे मुलाकात संवाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही हैं इन दौरों में वो सिलसिला लगातार जारी है। और आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक लेंगे सीएम, सर्व समाज के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे और ये कार्यक्रम आईईटी कॉलेज में रखा गया है। जनसंवाद का कार्यक्रम आईटी कॉलेज में होगा और एसआई हेलीपैड जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं यहां से सीधे रवाना हो चुकी हैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल के लिए। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की जब सीएम यहां पर पहुंची और पहली लाइव तस्वीर है जब इस हेलीपैड से रवाना हो चुकी हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यक्रम स्थल के लिए। आईटी कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है, सर्व समाज से वार्ता करेंगी सीएम और इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगी, उनके साथ बैठक करेंगी, अहम निर्देश दिए जाएंगे इस उपचुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारियां रहनी चाहिए, किस तरह से बूथ स्तर पर मजबूती रखना है उस पर काम करना है और ये लगातार निर्देश सीएम की तरफ से दिए ही जा रहे हैं और इस पर काम भी हो रहा है। यही वजह है कि एक साथ नहीं एक एक विधानसभा क्षेत्र का ये दौरा जारी है, एक एक विधानसभा के विकास को लेकर फीडबैक ले रही हैं सीएम, समस्याओं को लेकर फीडबैक ले रही हैं और ये दो अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली लाइव तस्वीर है जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रवाना हो चुकी हैं बाय रोड कार्यक्रम स्थल के लिए और दूसरी अहम तस्वीर कुछ देर पहले की जब सीएम हेलीपैड पर पहुंची और यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका वेलकम किया गया, लोगों से बातचीत की, सीएम ने उनका अभिवादन स्वीकार किया तो जो वहां पहुंचे जनप्रतिनिधि थे स्थानीय नेता थे उन्होंने सीएम का आशीर्वाद लिया। ये अहम दो तस्वीरें हैं और कुछ ही देर बाद आईटी कॉलेज में जो कार्यक्रम रखा गया है जनसंवाद का वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और अलग अलग समाज क्योंकि चुनावों में जातिगत जो रणनीति होती है वो कितनी अहम होती है, कितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होती है और समाजवार भी समस्याएं होती हैं, आम जन की समस्याएं तो हैं लेकिन समाजवार प्रतिनिधियों से मिलने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वो भी सामने आए और पूरे के पूरे समाज को साधा जा सके। ये एक रणनीति होती है राजनीतिक तौर पर और खासतौर से नजर आती है जब चुनाव होते हैं, लेकिन एक तीर से दो निशाना इसे कहा जा सकता है क्योंकि एक तरफ चुनावों की तैयारी हो रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है सीएम, तो दूसरी तरफ अब तक के चार सालों में क्या कुछ काम हुआ है, क्या समस्याएं रह गई है वो लोगों से सीधे तौर पर बातचीत में निकलकर सामने आती है और सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, किसी अधिकारी या किसी स्थानीय नेता से होकर नहीं। और चलिए इस पर विस्तार से बातचीत के लिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, सीएम के दौरे ये लगातार जारी है, आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक लेने वाली हैं सीएम, आज के कार्यक्रम को लेकर जानकारी चाहेंगे। देखिए मुख्यमंत्री आईईटी अलवर के प्रांगण में आ चुकी हैं जहां पर कि मुख्यमंत्री का अभी स्वागत हो रहा है और
मुख्यमंत्री का जो जनसंवाद है वो कुछ ही मिनट में शुरू हो जाएगा, लगभग एक दो मिनट बाद ये मुख्यमंत्री का जनसंवाद शुरू हो जाएगा। और आईटी परिसर है जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं हुए हैं, विभिन्न समाजों के लोगों के साथ मुख्यमंत्री का शाम तक संवाद जारी रहेगा। ऐश्वर्य, आज क्या सिर्फ ये जनसंवाद ही रहेगा या इसके अलावा भी कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, किसी कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं सीएम? शिलान्यास या लोकार्पण, क्योंकि जब सीएम पहुंचते हैं तो अगर इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसे भी इंक्लूड कर लिया जाता है, हमने पिछले दौरों में भी देखा, तो क्या आज भी कुछ ऐसा रहेगा या आज यहाँ पर सिर्फ जनसंवाद होगा? देखिए, सिर्फ और सिर्फ जनसंवाद होगा और उसके बाद बीजेपी के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग होगी। ये दो कार्यक्रम आज यहाँ पर होने हैं और लगभग शाम तक मुख्यमंत्री इन दोनों कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगी। और कोई और मंत्री भी हैं क्या सीएम के साथ यहाँ पर ऐश्वर्य? बिल्कुल, गजेंद्र सिंह खींसर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, गजेंद्र सिंह खींसर के अलावा जसवंत यादव जो कि वो तो लोकल अलवर से ही है और बहरोड से विधायक भी है, तो ऐसे में उनका स्वागत करना तो लाजमी था, लेकिन यहाँ का जो प्रभारी है वो गजेंद्र सिंह खींसर को बनाया गया है, तो खुद प्रभारी मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके अलावा अन्य जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री, अब आपको ये तस्वीरें भी दिखाई देंगी, जनसंवाद की तस्वीरें, जिनमें की मुख्यमंत्री का जो जनसंवाद है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप तो देख पाएंगे तस्वीरों को। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, मंच पर भी पहुंच रही है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ये खास आयोजन। और बड़ी बात है कि आज यहाँ पर सिर्फ जनसंवाद होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ जनसंवाद, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगी, बातचीत करेंगे सीएम, और जिस तरह की समस्याएं हैं या जो सरकार की तरफ से वो चाहते हैं मदद विकास को लेकर उनके विधानसभा क्षेत्र को के बारे में, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत भी होगी, जनसंवाद होगा और सीधे तौर पर बातचीत प्रदेश के मुखिया के साथ। और प्रभारी मंत्री जो हैं यहाँ के गजेंद्र सिंह खींसर मंत्री, वो भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ और ये मंच पर नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में ये जनसंवाद भी शुरू हो जाएगा। ऐश्वर्य, जानना ये चाहेंगे, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, इसको लेकर ही ये फीडबैक लेंगे सीएम, इस क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं लोगों से के सामने हैं, क्योंकि जो विभिन्न समाज के प्रतिनिधि हैं वो वहां पर पहुंच चुके होंगे और शायद आपकी उनसे बातचीत भी कुछ हुई हो कि किस तरह की बातें वो रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने। देखिए, यहाँ पर जो खासतौर पर एक तो सड़क की समस्या है जिसको लेकर अभी खुद विधायक ने भी कहा था, यहाँ पर एक हाईवे बनना है, उस हाईवे के इलाके के विकास का कोई मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ पर बातचीत होनी है, जो कि रामगढ़ के विधायक जो है वो बातचीत करेंगे ज्ञानदेव आहूजा। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मुख्यमंत्री को आज अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे, हालांकि उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो पहले से ही तमाम समस्याओं को जानती हैं और जब लोग अपनी समस्याएं बताएंगे तो उनका निराकरण भी मुख्यमंत्री अपने लिहाज से करेंगी। यहाँ पर जो खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं जो होती है, कई बार समाजवाद जब चर्चा होती है तो उन समस्याओं तो वो समस्याएं सामने आती है तो मुख्यमंत्री मौके पर ही उनका निस्तारण करती है। हाँ बिल्कुल, मौके पर निस्तारण सीएम करती हैं और ऐसी कोशिश रहती है कि ये निस्तारण मौके पर हो सके और जो ऐसी समस्याएं होती हैं जिन पर वक्त लग सकता है उसके लिए आश्वस्त भी सीएम द्वारा किया जाता है। ऐश्वर्य, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं लेकिन इनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है ऐश्वर्य? देखिए, इनमें महिलाओं को भी बुलाया जाता है और महिलाओं को भी इसमें बुलाया जाता है और आज का मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले वैश्य समाज की चर्चा है जिसमें अग्रवाल समाज, जैन समाज, खंडेलवाल समाज है, उसके बाद ब्राह्मण समाज है जिसमें गौड़ ब्राह्मण समाज, मूर्तिकार समाज, जागृत ब्राह्मण समाज तमाम समाज है, उसके बाद ओबीसी समाज के लोग जो है वो जाएंगे मुख्यमंत्री से संवाद करने। तो शुरुआत वैश्य समाज के साथ हुई है, उसके बाद अन्य समाजों के जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। और अमूमन कितना वक्त एक एक समाज को सीएम दे पाते हैं ऐश्वर्य? देखिए, यहाँ पर समाज की संख्या है उसके लिहाज से डिपेंड करता है कि कितनी संख्या में समाज के लोग आते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा और आप ये देखने वाली बात होगी कि कितनी संख्या किस समाज के लोगों की आती है, कितने प्रतिनिधि किस समाज के आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अभी वैश्य समाज जो है उसकी काफी संख्या है, तो संभावना ये है कि आधा घंटे से एक घंटे तक वैश्य समाज के साथ मुख्यमंत्री का की चर्चा हो सकती है। और उसके बाद ब्राह्मण समाज यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में है। ब्राह्मणों में अलग अलग ब्राह्मण है, चाहे मूर्तिकार ब्राह्मण हो, जांगड़ ब्राह्मण हो या वागड़ा ब्राह्मण हो, सर्व ब्राह्मण जो है उनके साथ चर्चा होगी। तो चर्चा संभावना है कि ब्राह्मण समाज के साथ भी काफी देर बैठक चले। बिल्कुल, तो जिस तरह की संख्या समाज के प्रतिनिधियों की या समाजों की होती है उस हिसाब से, उस लिहाज से यहाँ पर वक्त दिया जाता है उनसे, वार्ता में उतना वक्त मिल जाता है अगर ज्यादा लोग आते हैं, जिस तरह से ऐश्वर्य आप भी बता रहे हैं। ऐश्वर्य, विकास प्रदर्शनी भी क्या यहाँ देखने को मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ पर एक विकास प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम होता है, तो उसमें एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। और उस विकास प्रदर्शनी में जानकारी दी जाती है कि अभी तक जो है विधायक ने क्या कुछ कार्य करवाए हैं या फिर सरकार ने क्या कार्य करवाए हैं इस विधायक के कार्यकाल में, कैसे भी कहा जाए, लेकिन 4.5 साल लगभग अब सरकार को पूरे हो चुके हैं। 3.5 साल से ज्यादा का समय सरकार को हो चुका है, 4 साल पूरे होने वाले हैं सरकार को, तो लगभग अभी तक क्या कुछ काम हुआ है ये तमाम जो चीजें हैं वो आम लोग देख सकते हैं। कि यहाँ पर जो जनसंवाद कार्यक्रम है वहाँ पर तमाम समाजों के लोग आए हैं, वो देख पाएंगे कि सरकार ने क्या कुछ इस विधानसभा क्षेत्र को दिया है और कितने करोड़ के कार्य हुए हैं और तुलना। बिल्कुल ऐश्वर्य, और कहा भी जा सकता है कि ये जो विकास प्रदर्शनी लगाई जाती है ये कहीं ना कहीं विधायक के कामों का रिपोर्ट कार्ड होता है कि आखिर कितने कार्य विधायक ने किए हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा विधायक कितना सफल रहा, सरकार को भी सीधे तौर पर पता चलता है इन विकास प्रदर्शनियों के माध्यम से। चलिए ऐश्वर्य, आप इस दौरे पर नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ हुआ आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल